बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची पारसर। तो आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबर। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांदरी के शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के अनुरोध पर उन्होंने बांदरी और मालतन महाविद्यालय की सभी जरूरतें पूरी करने की घोषणा की। कार्यक्रम के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं सांसद राज बहादुर सिंह का बुंदेलखंड की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। समारोह में सागर सांसद राज बहादुर सिंह और विधायक महेश राय भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधन में कहा कि आज सौभाग्य का दिन है कि बुद्धि के देवता गणपति बप्पा की स्थापना के साथ यहां महाविद्यालय भवन निर्माण का भूमि पूजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्री भूपेंद्र भैया ने मालथन और बांदरी महाविद्यालय के लिए जरूरतें बताई हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र भैया ने बांदरी और मालथन में महाविद्यालय के रूप में युवा ऊर्जा का मंदिर खोला है। गरीब के आंसू पोंछ सकें इस भावना के साथ भूपेंद्र भैया आपके बीच काम कर रहे हैं। उन्होंने खुरई विधानसभा क्षेत्र में भोज विश्वविद्यालय का सेंटर खोलने की घोषणा की। इसके पूर्व मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संबोधन में कहा कि आज हम सबके लिए खुशी का दिन है कि उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में मोहन यादव जी ने बांदरी में महाविद्यालय भवन बनाने 6,18,18 लाख रुपए स्वीकृत किए और भूमि पूजन के लिए स्वयं यहां पधारे। आनंद रजक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, बांदरी। आपने कहा कि कामर संकाय होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा, इसके लिए कोई तकलीफ नहीं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम खोलने के लिए विषय आया है। हमारे यहाँ जो प्लेन डिग्री पढ़ाते थे उन प्लेन डिग्री में अभी तक बीए बीकॉम बीएससी पढ़ाते थे, उस बीए बीकॉम बीएससी से बात बनती नहीं, क्योंकि वो अपने यहाँ लाड निकाले की शिक्षा पद्धति को लगाने वाली भाषा है। वो उस पद्धति से हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगारों की एक खोज तैयार होती, जो भविष्य में रोजगार ढूंढने निकलते। जो नहीं पढ़ा लिखा वो ज्यादा पा लेता, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी 1,000, 2,000, 5,000 में चाहिए काम करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो जो शिक्षित डिग्री है बीए बीकॉम की, वो कोई उनको कोई स्किल नहीं देती, कोई उनको दक्षता नहीं देती, कोई किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देती। तो अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, नई शिक्षा नीति में इस बात की गुंजाइश है, अब वो सारी परंपरा हम तोड़ देंगे। अब अपनी को मान लो MBBS भी कर रहा है और उसकी इच्छा हो गई कि मैं संगीत का भी एक विषय लेना चाहता हूँ, तो संगीत पर बांदरी में महाविद्यालय नहीं खुला। ईश्वर ने वो मौका मुझे दिया, आपने कोई ना कर दिया।